भारत के एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोयले की खदान में से फंसे 65 मजदूरों की जान बचाई थी। पर दुख की बात यह है कि हमें ऐसे अनसंग हीरो के बारे में तब पता चलता है कि जब कोई बड़ा स्टार उस पर फिल्म बनाता है। चलिए जानते हैं रियल हीरो के बारे में। दरअसल बात है 13 नवम्बर 1982 की, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में मौजूद एक कोयले के खदान में दुर्घटना के वजह से पानी लीक होने लगा था और उसमें 65 मजदूर फंस गए थे। ये बात जब वहाँ के कोल इंडिया लिमिटेड इंजीनियर यशवंत सिंह गिल को पता चली तो उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने मजदूरों को बचाने के लिए एक कैप्सूल बनाई जिनमें बैठकर वो अकेले ही उस खदान में पहुंच गए और एक के बाद एक फंसे हुए वहाँ के मजदूरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और सबसे लास्ट में यशवंत सिंह खदान से खुद बाहर निकले। कहने में ये जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान था नहीं। इसी वजह से यशवंत सिंह जी के साहसी काम के लिए राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन की तरफ से बेस्ट लाइफ सेवर मेडल नवाजा गया था और अब उनके इस मिशन को बॉलीवुड फिल्म मिशन रानीगंज में फरमाया गया है।